भारत में लॉन्च हो चुका है हुआवे का ये Y9 प्राइम 2019 एडिशन, और इस वीडियो के अंदर आप देखने वाले हैं इसी फ़ोन की अनबॉक्सिंग और जानेंगे इस फ़ोन के बारे में कि क्या ये फ़ोन सच में इस कंपटीशन के अंदर रह पाएगा। इस कंपटीशन के अंदर कई सारे ऑलरेडी फ़ोन्स हैं अभी मार्केट के अंदर, और क्या ये उनसे अच्छा निकल पाएगा या नहीं, ये सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो चलिए बढ़ते हैं इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग से। तो सबसे पहले अगर आप इस बॉक्स को खोलेंगे तो आपके सामने आ जाता है ये सुंदर सा रिफ्लेक्टिव बैक के साथ में सेफायर ब्लू कलर के अंदर Y9 प्राइम 2019। इसको रखते हैं साइड में और देखते हैं कि बॉक्स के अंदर आपको और क्या चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पे इसके अंदर आपको मिलता है सबसे पहले एक यूज़र मैनुअल गाइड, इसको अगर रखें साइड में तो यहाँ पर आपको एक सिलिकन का प्रोटेक्टिव केस भी मिल जाता है आपके फ़ोन के लिए, और उसी के साथ में यहाँ पे आपको एक सिम इजेक्टर टूल तो मिलता ही है। आगे बढ़ें तो यहाँ पे मिलती है आपको एक टाइप सी केबल। जी हाँ, इस फ़ोन में आपको टाइप सी का पोर्ट मिलता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बढ़े आगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है वॉल अडैप्टर इस फ़ोन को चार्ज करने के लिए, और इस वॉल अडैप्टर की आउटपुट रेटिंग है 5 वोल्ट्स 2 एम्पीयर की, जिसका कि मतलब है ये वॉल अडैप्टर फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। अब बात कर लेते हैं कि हमें फ़ोन के ऊपर पीछे आगे नीचे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, मतलब कि फ़ोन के ओवरव्यू के बारे में। तो देखिए, टॉप की तरफ आपको यहाँ पर मिल जाता है सिम स्लॉट, मतलब सिम ट्रे मिलती है यहाँ पे आपको। उसी के साथ में आपका पॉपअप कैमरा, हुआवे की तरीके से बोलें तो फिर पॉपअप किंग, और यहाँ पे आपको सेकेंडरी माइक्रोफोन भी मिलता है। उसी के साथ में राइट साइड में अगर आप यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलते हैं वॉल्यूम रॉकर्स, उसी के साथ में पावर बटन। बॉटम की साइड में अगर बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है 3.5 mm का ऑडियो जैक, उसी के साथ में प्राइमरी माइक्रोफोन। टाइप सी पोर्ट मिलता है आपको यहाँ पे, जी हाँ, आपको यहाँ पे मतलब फास्ट चार्जिंग काफ़ी अच्छी मिलेगी इस फ़ोन के अंदर। उसी के साथ में आपको यहाँ पे स्पीकर ग्रिल मिल जाती है, और अगर बढ़ें इसके लेफ़्ट की तरफ तो यहाँ पे आपको लेफ़्ट की तरफ कुछ भी नहीं मिलता है, पूरा खाली है लेफ़्ट की तरफ से। और अगर इसके बात करें पीछे की तरफ तो यहाँ पे बैक में आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप मिल जाता है सिंगल टोन LED फ्लैश के साथ में। उसी के साथ में आपको यहाँ पे मिलता है फिंगरप्रिंट सेंसर, और पीछे हुआवे की ब्रांडिंग भी आपको यहाँ पे मिली जाती है। और यहाँ पे अगर आप डिज़ाइन देखेंगे तो ऊपर और नीचे दोनों ही जगह पर ये डिफरेंट काइंड ऑफ कलर है, हल्का सा ऊपर डार्क ब्लू है, नीचे की तरफ लाइट ब्लू है, और बीच में सेपरेशन के लिए एक लाइन भी दे रखी है यहाँ पे। इस रेंज में आपको स्मार्टफोन्स के अंदर कई सारे टाइप के डिज़ाइन मिलेंगे, मगर ये कुछ यूनिक ही डिज़ाइन है, जैसे कि आपको पिक्सल सीरीज़ के अंदर देखने के लिए मिलता है, कुछ उस तरीके का डिज़ाइन आपको इस फ़ोन के बैक में मिलेगा। अब बात करते हैं इस फ़ोन के कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो देखिए, इस फ़ोन की जो डिस्प्ले है वो है 6.59 इंचेस की फुल HD डिस्प्ले जो कि है। और बात करें अगर इस फ़ोन के सबसे बड़े हाईलाइट के बारे में, जो कि है इस फ़ोन का पॉपअप कैमरा, जिसको हुआवे पॉपअप किंग भी बोलता है। तो ये जो फ्रंट कैमरा है ये आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का, और ये AI फीचर के साथ में आता है, मतलब इसमें आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलती है। उसी के साथ में ये ब्यूटिफिकेशन मोड के साथ में भी आपको ये कैमरा मिलता है। और बात करें अगर रियर कैमरा की सेटअप की, तो इसमें आपको मिलता है 3 कैमरा का सेटअप रियर कैमरा के अंदर, जो कि सबसे पहला कैमरा है 16 मेगापिक्सल का, जिसका अपर्चर आपको मिलता है f1.8। दूसरे कैमरा की अगर बात करें तो ये है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, और तीसरा कैमरा जो है इसमें वो है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा जो कि है। एंड्रॉयड पाई का सपोर्ट मिलता है आपको इस फ़ोन के अंदर, उसी के साथ में आती है इसमें EMUI 9.1। बात करें अगर अब इस फ़ोन की बैटरी की, तो इसमें आपको मिलती है 4000 mAh की बैटरी, जिसके अंदर कि हुआवे कंपनी ऐसा कहती है कि आपको 108 घंटे का म्यूज़िक प्लेइंग टाइम मिल जाता है। उसी के साथ में 44 आवर्स का आपको मिलता है वॉइस कॉलिंग टाइम, और गेमिंग का टाइम आपको मिलता है 9 आवर्स का, और वीडियो प्लेइंग का 22 आवर्स का टाइम मिलता है एक सिंगल चार्ज में, मतलब जिसमें अगर आप अपने फ़ोन को 100% चार्ज कर लें उसके बाद ये सारी की सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ऐसा कंपनी कहती है। बट असलियत तो तभी पता लगेगी जब इस फ़ोन को हम टेस्ट करेंगे। अब बताता हूँ मैं आपको कि इस फ़ोन में आपको कौन सा प्रोसेसर मिलता है। तो इसमें आपको मिलता है हाई सिलिकन किरीन का 710F, जी हाँ, उसी के साथ में 4 GB की रैम, 128 GB की इंटरनल स्टोरेज आपको इस फ़ोन में मिलती है। अब फाइनली बात करते हैं इस फ़ोन की इंडियन प्राइसिंग के बारे में कि ये फ़ोन भारत में कितने पैसों में लॉन्च हुआ है। तो ये फ़ोन आपको मिलता है 15,990 रुपये का, मतलब अराउंड आप बोल सकते हैं 16,000 रुपीज़ ही इसकी प्राइसिंग हो गई है। तो ये थी वीडियो आज की, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए फ़ोन्स के ऊपर, गैजेट्स के ऊपर। और अगर आप इस फ़ोन को परचेज़ करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी प्री बुकिंग करना चाहते हैं इस फ़ोन की, तो फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा एक लिंक जिससे कि आप इस फ़ोन को परचेज़ कर सकते हैं।